डेज ऑफ रेवल्यूशन, सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा डिस्क्राइब डिफरेंट वेज इन विच प्रॉफिट रिवील्ड रिसीव्ड रेवल्यूशंस फ्रॉम 610 टू 632 AD। अच्छा, जो आपको की नोट्स मिलेंगे उसके अंदर यही की नोट्स मिलेंगे, तो इसमें एरर्स काफी ज्यादा है क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये मैंने अपनी जो है स्टूडेंट से लिखवाए हुए। तो यहाँ पर क्या है कि रिवील्ड नहीं है, यह है रिसीव, और ये है रिवॉल्यूशन नहीं है, यह है रेवल्यूशन। तो बेसिकली सवाल ये है डिस्क्राइब डिफरेंट वेज इन विच प्रॉफिट रिसीव रेवल्यूशन फ्रॉम 610 टू 632 AD। रिसीव रेवल्यूशन भी आ सकता है, डिस्क्राइब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ रेवल्यूशन भी आ सकता है, अलग अलग तरीके से आएगा, वो हम देखेंगे पास्ट पेपर्स में किस तरीके से आता है। सबसे पहले P1 इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे, थोड़ी सी बातें बताएंगे, फिर वेज ऑफ रेवल्यूशन, देन नेचर ऑफ रेवल्यूशन, जो मेजर कॉन्टेंट है इस आंसर का वो क्या है, वेज ऑफ रेवल्यूशन, फिर है नेचर ऑफ रेवल्यूशन, देन है सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवल्यूशन। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर ये बताएंगे कि होली प्रॉफिट के ऊपर जो कुरान रिवील हुआ वो एक वन को में रिवील नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने बोला कि चलो आज बुक ले लो, ऐसे नहीं हुआ। इट वॉज रिवील्ड इन द स्पैन ऑफ 23 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पीरियड, 610 से लेके 632 AD, इनका जो है वो अकॉर्डिंग टू रोमन कैलेंडर, इसके अकॉर्डिंग ये 22 ईयर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखूं तो कितने ईयर्स होंगे, 23 ईयर्स। तो आपको मेरे नोट्स में कहीं 22 मिलेगा, कहीं 23, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 22 का मतलब ये है कि वो रोमन के हिसाब से, 23 का मतलब ये है कि वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। तो आपके पास क्या है कि रेवलेशन रिसीविंग जो 610 से लेके 622 AD तक भी, फर्स्ट रेवलेशन का भाई 610 AD के अंदर, इन वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमजान, एंड कुरान आल्सो मेंशन दिस, इंडीड वी सेंड डाउन दिस कुरान इन द नाइट ऑफ पावर, या इन द लास्ट ऑड नाइट्स ऑफ रमजान। तो 610 से लेके 622 AD, ये जो है ये रेवलेशन जो आई है मक्का के अंदर आई, तो दीज रेवलेशन आर नोन एज मक्की रेवलेशन। और आपके पास 622 से लेके जो 632 तक थी वो थी मदीना के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मदनी रेवलेशन। तो मक्की रेवलेशन एंड मदनी रेवलेशन ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या बताएंगे, जो लास्ट रेवलेशन आई वो आई इन ऑन द ग्राउंड ऑफ अराफात आफ्टर लास्ट सरमन, जब प्रॉफिट अब लास्ट खुतबा दिया, लास्ट हज करा, तो उसका उन्होंने लास्ट रेवलेशन रिसीव करी जिसके अंदर आई, दिस डे आई हैव परफेक्टेड रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू, एंड हैव चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। तो ये आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ छोटा सा बना देना, इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं बतानी। कुरान रिवील वन गो में नहीं हुआ, इट वॉज रिवील्ड इन द स्पैन ऑफ 23 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर, 610 AD के अंदर कुरान की रेवलेशन स्टार्ट हुई, इन वन ऑफ द लास्ट ऑट नाइट्स ऑफ रमजान, इंडीड वी सेंड डाउन दिस कुरान इन द नाइट ऑफ पावर, 610 टू 622 AD मक्का के अंदर, तो मक्की रेवलेशन, और 622 से लेके 632 AD मदनी रेवलेशंस, लास्ट रेवलेशन अराफात के मैदान में आई, दिस डे आई हैव परफेक्टेड रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू, एंड हैव चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। अब आपके पास क्या है, सेकंड पैराग्राफ जो कि मेजर कंटेंट है, वेज ऑफ रेवलेशन। इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें यह बताना है कि प्रॉफिट के पास रेवलेशन किस वेज में आती थी, किस तरीके से आती थी। सबसे पहले आती थी एंजल जिब्राइल, एंजल जिब्राइल लाते थे रेवलेशन, जैसे हमने फर्स्ट रेवलेशन में सुना। तो एंजल जिब्राइल जो थे, बेसिकली इट इज एन एंजल जिब्राइल हु हैज ब्रॉट डाउन द कुरान डाउन अपॉन योर हार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वर्स है जो कि हम लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि एंजल जिब्राइल ही तुम्हारे दिल के अंदर क्या लाया, ये कुरान लाया। तो आपके पास क्या, आप एंजल जिब्राइल भी डिफरेंट फॉर्म्स में लाते थे, तीन फॉर्म में आते थे। फर्स्ट फॉर्म वॉज दाया कल्बी, सेकेंड फॉर्म वॉज बेदुइन मैन, एंड थर्ड फॉर्म वॉज इन द ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म। So the first form was different forms in दाया कल्बी। एक companion थे basically दाया कल्बी, जो कि एक बहुत handsome companion थे। तो prophet क्या हुआ कि एक दफा prophet के पास दाया कल्बी आया, उन्होंने conversation करी, कुछ सवालात करे और सारी चीजें हुई, दाया कल्बी चले गए। जब दाया कल्बी चले गए, मतलब वो असली में एंजल जिब्राइल थे लेकिन शक्ल दाया कल्बी की। तो जब वो चले गए तो prophet ने अपनी वाइफ उम्मे सलमा से पूछा कि आप जानती हैं ये कौन है? तो उनकी वाइफ ने फरमाया ये दाया कल्बी है। लेकिन प्रॉफिट ने लेटर अपने बयान में बताया कि वो दाया कल्बी नहीं थे, वो एंजल जिब्राइल थे, एंड ही वाज देयर टू गाइड अस, मतलब हमें गाइड करने आए। तो इससे हमें ये बात पता चलता है कि दाया कल्बी, अब दाया कल्बी की फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दाया कल्बी इस प्रॉफिट के साथ बैठे और एंजल जिब्राइल भी दाया कल्बी की फॉर्म में आ गए, तो लोग तो डर जाएंगे, बोलेंगे ये तो जिन्नात आ गया। बेसिकली दाया कल्बी जब आउट ऑफ टाउन होते थे, आउट ऑफ सिटी होते थे, तो वो प्रॉफिट प्रॉफिट के पास किसकी फॉर्म में आ जाते थे, दाया कल्बी, मतलब एक फॉर्म थी जो दाया कल्बी की मोस्टली शक्ल में आते थे। दूसरी थी बेदुइन मैन, बेदुइन मैन का मतलब ये कि किसी बेदुइन ट्राइब का मैन, और किसी मतलब स्ट्रेंज मैन, मतलब आपके टाउन या सिटी का नहीं है, दूर का। अब क्या हुआ, एक दफा प्रॉफिट अपने कंपेनियंस के साथ बैठे हुए थे,
जैसे ही बैठे हुए थे तो एक पर्सन आते हैं बिल्कुल व्हाइट कपड़ों के अंदर, व्हाइट कपड़ों के अंदर ब्लैक एंड शाइनी हेयर्स होते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े वो आते हैं। अगर कोई बंदा ट्रैवलिंग करके आता था ना उस जमाने के अंदर, तो उसके कपड़े गंदे हो जाते थे। क्यों गंदे कपड़े हो जाते थे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उस जमाने में रोड नहीं थे, मट्टी वाले वो थे, तो वो कैमल पे अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं तो मट्टी वाले होकर आते, लेकिन वो आए तो बिल्कुल साफ सुथरे। अब वो बंदे आए प्रॉफिट के पास, बैठे, प्रॉफिट से कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वो वापसी चले गए, आंसर दिए, कुछ क्वेश्चंस करे, वापसी चले गए। हजरत उमर से प्रॉफिट ने पूछा, क्या आप जानते हैं ये कौन है? तो हजरत उमर ने बताया, हजरत उमर ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन अल्लाह और आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आप लोगों की नॉलेज क्या है, ज्यादा है। तो उस पे प्रॉफिट ने रिप्लाई करा कि ही वॉज एंजल जिब्राइल एंड ही वॉज हियर टू गाइड अस, हमें गाइड करना है। तो इससे हमें पता चला कि वो विद इन मैन फॉर्म में भी आते थे। थर्ड फॉर्म एंजेलिक फॉर्म। आपने फर्स्ट रेवलेशन पढ़ी, तो जब प्रॉफिट केव से बाहर आते हैं तो केव से बाहर आके क्या देखते हैं? 600 विंग्स से वो पूरा हॉरिजन कवर किया हुआ है एंजेल जिब्राइल ने, और कहते हैं वो मोहम्मद डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम एंजेल जिब्राइल। तो वो एंजेलिक फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि देखो जो पर है वो या तो किसी बर्ड के हो सकते हैं या वो एंजल के हो सकते हैं, तो हम तो यही सोचेंगे कि वो एंजल के हैं, तो एंजेलिक फॉर्म में आते थे। प्रॉफिट ने खुद फरमाया, अकॉर्डिंग टू द बेसिकली आपके पास रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आई सॉ एंजल जिब्राइल विद 600 विंग्स। तो टोटल तीन फॉर्म में आते थे, फर्स्ट फॉर्म वॉज दाया कल्बी, सेकेंड वॉज बेदुइन मैन, एंड थर्ड वॉज ओरिजिनल फॉर्म एंजेलिक फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्म्स है। दूसरी फॉर्म सर क्या है? तो दूसरी फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स सर कैसे? देखिए बेसिकली रात को ड्रीम आएगा, मैं आपको कहानी इसकी बताता हूँ। आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ के अंदर शायद ये नोटिस किया हो कि आप लोग जब अपनी लाइफ के अंदर कोई चीज कर रहे होते हो तो आपको लगता है ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो होता क्या है बेसिकली, आपके जो है ना दो चीजें होती हैं, आपका जो ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। अब आप जब ड्रीम देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं, लेकिन जब बाद में लाइफ में कोई चीज ऐसी हो रही होती है जो आप ऑलरेडी ख्वाब में देख चुके हैं, तो आपको लगता है अरे ये तो कहीं पहले हो चुका है, ऐसा लग रहा होता है कि हमारी लाइफ में ये चीजें पहले हो चुकी है, तो कहीं ख्वाब में हमने देखा होता है, लेकिन वो हमारा माइंड भुला देता है वो चीज, लेकिन जब वो चीज वापसी होती है तो हमें याद आ जाता है। इसी तरीके से प्रॉफिट के साथ होता था। प्रॉफिट के साथ क्या होता था, रात को ड्रीम आया, रात को ड्रीम आया, उसके नेक्स्ट डे उसी टॉपिक के रेफरेंस से रेवलेशन आती थी, मतलब सोते हुए कभी भी रेवलेशन नहीं आई। रात को ड्रीम आया, ड्रीम में उन्होंने एक टॉपिक देख लिया कि ये चीज हो रही है मेरे साथ, नेक्स्ट मॉर्निंग उसी के हिसाब की वर्ड्स क्या हो जाएगी, रिवीट। सर एग्जाम्पल दें, जिस जिस बच्चे ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ होगा, तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर आपने ये बात सुनी होगी कि प्रॉफिट ने एक रात को ख्वाब देखा कि मैं उमरा करने जा रहा हूँ, एंड देन नेक्स्ट डे रेवलेशन आ गई कि यू विल एंटर द सेक्रेट मॉस्क विद फुल सिक्योरिटी इफ अल्लाह विंस। तो ये हमारे पास जो है ये एग्जाम्पल है कि रात को ड्रीम आया और नेक्स्ट डे क्या आ गई, रेवलेशन आ गई। सही है, तो ये हमारे पास एक और वे था। तीसरा वे डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। जिस जिस बच्चे ने मेराज का वाकया पढ़ा होगा उसको ये बात पता है कि मेराज के वाकये के अंदर क्या होता है, कि आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से रेवलेशंस मिलती हैं डायरेक्टली। जब होली प्रॉफिट ऊपर मेराज पे जा रहे होते हैं और ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो एंजल जिब्राइल कहते हैं मैं उससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे विंग्स क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो नहीं जाते। ऊपर प्रॉफिट जाते हैं, प्रॉफिट डर रहे होते हैं, तो उस पे अल्लाह ताला की आवाज आती है, ओ मोहम्मद डू नॉट बी अफ्रेड, अप्रोच, ऊपर आओ। जब वो ऊपर आते हैं तो उसके बाद क्या होती है, उनको तीन गिफ्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह बकरा रिवील होती हैं, और फिर उनको जो है वो 50 नमाज नमाज की मिलती है, और इनके मेजर सिंस फॉरगिव हो जाते हैं उम्मत के। तो लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह बकरा डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक रिपोर्ट है हजरत इब्ने अब्बास की, जिसमें प्रॉफिट ने कहा आई सॉ माई सब्लाइम लॉर्ड। बेसिकली देखें हमारे पास क्या है, आपको ये बात बतानी चाहिए कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स हैं, हर सेक्ट का क्या होता है अलग बिलीफ होता है। अभी हम जो बात करेंगे वो यूनिफाइड बात करेंगे, या तो मैं वो बात करूंगा जो कैम्ब्रिज क्या करता है, बहुत सारी कैम्ब्रिज ऐसी बातें करते हैं जो गलत है, लेकिन हमें क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। और बहुत सारी ऐसी होती है जो यूनिफाइड होती है, मतलब जिसपे हर उलमा क्या कर रहा होता है, एग्री कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना वो ऐसी बात है जिसपे हर उलमा एग्री नहीं करते, लेकिन हमें कैम्ब्रिज में लिखनी पड़ती है क्या, डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। बेसिकली क्या हुआ कि मेराज के अंदर जब होली प्रॉफिट को जब रेवलेशन मिली, तो हम क्या लिखते हैं पेपर के अंदर, इट वॉज रिवील्ड डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह एज प्रॉफिट सेड आई सॉ माई सब्लाइम लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे उलमास का ये कहना है कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं देखा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बीच में बैरियर था जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला को डायरेक्टली नहीं देखा। लेकिन हम पेपर में क्या लिखते हैं, हम पेपर में ये लिखते हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह एज प्रॉफिट सेड आई सॉ माई सब्लाइम
डॉट, तो ये लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूर्य बकरा इस तरीके से। फिर फोर्थ वे था इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग बेल। इन द फॉर्म ऑफ रिंगिंग बेल ये था, इट वॉज द हार्डेस्ट वे। कैसे हार्डेस्ट वे? देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल में एक वो होती है बेल रिंग होती है, और जैसे ही बेल रिंग हो रही है उसी के साथ क्या हो रहा है कि आपके टीचर लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं टीचर की सुनूं या बेल की आवाज सुनूं, तो बेसिकली क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। इसी तरीके से जब होली प्रॉफिट के पास रेवलेशन आती थी तो बेल की आवाज बज रही है, बेल बज रही है, जैसे ही बेल बज रही है तो डिवाइन रेवलेशन क्या हो गई, रिसीव हुई। डिवाइन रेवलेशन रिसीव हो रही है, साथ साथ साइमल्टेनियसली रिसीव हो रही है। तो इट वॉज द हार्डेस्ट वे। प्रॉफिट सेड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हज़रत आयशा, प्रॉफिट सेड समटाइम्स वही कम्स टू मी आफ्टर द बेल रिंग्स एंड इट इज हार्डेस्ट मेथड फॉर मी, दिस वॉज द हार्डेस्ट मेथड फॉर हिम। तो ये हमारे पास चार मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्रॉफिट के पास रेवलेशंस आती थी। अच्छा एक और मेथड भी है लेकिन वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, वो ये है कि डायरेक्टली एंजल जिब्राइल उनके हार्ट के अंदर क्या कर देते थे, वो बात डाल देते थे और उनके ऊपर वर्ड्स रिवील हो जाते, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लिख रहा हो तो आप लिख दीजिएगा, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखिएगा। ये चार जो है ना ये क्या है, मेन है। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और वेज ऑफ रेवलेशन वाला पैराग्राफ ये दोनों समझ आ गए, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है अब्दुल्ला, आपका मसला मैं वो आपको हल अनम्यूट कर देता हूँ। बाकी हसन बेटा आप भी बता दें कि आपको समझ आया नहीं आया। सही। अच्छा अब थर्ड वन क्या था? थर्ड वन था डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह का ये है कि अल्लाह ताला से डायरेक्टली उनको क्या मिल गई, वर्ड्स मिल गए। कैसे? वो मेराज पर गए, उधर एंजल जिब्राइल नहीं थे, उधर अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात की और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लास्ट वर्सेस ऑफ सूरह बकरा जो कि 50 नमाजों के रिलेटेड थी, और उसमें सूरह बकरा क्या कर दी, अल्लाह ताला ने रिवील कर दी। तो ये था डायरेक्ट मेथड कि अल्लाह ताला से डायरेक्टली अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात करी और अल्लाह ताला ने भेज दी। सही है। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड था, पेपर में हम ये लिख, लेकिन बहुत सारे उलमास का ये कहना है कि डायरेक्टली नहीं मिली थी, बीच में बैरियर था, मतलब अल्लाह ताला एक साइड पे थे और एक साइड पे प्रॉफिट। तो बस ये एक चीज बतानी थी, लेकिन वो आपने पेपर में नहीं लिखनी कि ऐसा बीच में बैरियर था। आप सिर्फ चुपचाप ये लिख देंगे कि मेराज की जो लास्ट वर्सेस ऑफ सूरह बकरा थी वो हमारे पास अल्लाह ताला ने डायरेक्टली रिवील करी और प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली रिवील हुई, ना ही उसके अंदर कोई एंजल जिब्राइल थे ना ही कोई और मौजूद था, और इसके अंदर डायरेक्टली अल्लाह ताला खुद रिवील कर। तो ये था। अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से बताएं, नहीं समझ आया तो मैं आपको वापसी समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब्दुल्ला इमाद, अगर आपको समझ आ गया तो आप बाय लिखकर भेज दें काइंडली, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन। अच्छा इसके बाद अब हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ रेवलेशन। नेचर ऑफ रेवलेशन के अंदर हम क्या बताएंगे कि प्रॉफिट ने क्या करा, प्रॉफिट को स्वेटिंग होना शुरू हो जाती थी। सही है। नेचर ऑफ रेवलेशन के रेवलेशन की वजह से उनकी बॉडी पे क्या चेंजेस आती थी, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता था एंड रेडिश हो जाते थे। तो प्रॉफिट ने, सर ये हमें कैसे पता चला? तो हजरत आयशा ने बताया, हजरत आयशा ने ये बताया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेवलेशन हिज फेस वुड स्वेट एंड बिकम रेड। ये कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है, हजरत आयशा ने बताया। इनका वेट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता था, ये हमें कैसे पता चला? बहुत सारे कंपेनियंस ने ये बात रिपोर्ट करी कि जब होली प्रॉफिट ट्रेवलिंग कर रहे होते थे किसी कैमल पर, और उस पे क्या होता था कि जब उनके ऊपर रेवलेशन आ जाती थी, जैसे ही रेवलेशन आती थी तो कैमल बैठ जाता था। कैमल क्यों बैठ जाता था? क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो जाता था। दूसरा क्या, एक दफा जैद बिन साबित क्या हुए थे, प्रॉफिट के साथ बैठे हुए थे, और प्रॉफिट का पाउ जो है वो जैद बिन साबित, ये समझे जैद बिन साबित का पाँव है, प्रॉफिट का पाँव इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब आपके पास क्या हुआ कि प्रॉफिट का पाँव जब ऊपर पड़ा हुआ था तो उस पे क्या हुआ कि जैद बिन साबित ने फरमाया कि अचानक रेवलेशन आ गई, और रेवलेशन आ गई तो मुझे लगा कि माई लेग वुड क्रश, मेरी जो लेग है वो क्या हो जाएगी, मेरा जो पाँव है वो टूट जाएगा क्योंकि वेट इतना ज्यादा हैवी हो गया। तीसरी बात क्या है, कुरान खुद फरमाता है, इंडीड इफ वी सेंड डाउन दिस कुरान ऑन अ माउंटेन इट वुड कोलैप्स, या इट वुड क्रश अपार्ट।
तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी तीन बातें जिससे हमें पता चलता है वेट हैवी। तीसरा, उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता था, हेल्थ क्या जाती थी काफी बुरी हो जाती थी, मतलब थोड़ी सी हेल्थ क्या जाती थी काफी कम हो जाती थी, और जिस वजह से क्या हुआ उनको गैप दिया जाता था रेवल्यूशंस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है कि ये नेचर है कि स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो गया, रेडिश, वेट क्या हो गया ज्यादा, और हेल्थ क्या हो जाती थी कम, बीमार हो जाते थे। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, आप क्या बताएंगे, हेल्थ क्या हो जाती थी कम, बीमार हो जाते। तो ये नेचर ऑफ रेवल्यूशन। देन है सरकमस्टेंसेस ऑफ रेवल्यूशन। सरकमस्टेंसेस ऑफ रेवल्यूशन के अंदर बताएंगे कि दैट एवरी रेवल्यूशन हैड अ पर्पस, हर रेवल्यूशन का पर्पस था, ये जो 23 साल के अंदर रिवील हुआ इसका कोई पर्पस था। देखिए अगर मैं आपको आज ये कहूं कि आज मैं आपको पूरा कोर्स करा देता हूं, तो आप कहेंगे या तो सर पागल होगा या सर हमें पागल कर देंगे, सही है। लेकिन अगर मैं आपको डेली बेसिस पे प्रॉपर प्लान के साथ, अगर मैं आपको डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीजें कराऊं, तो आप कहेंगे नहीं सर अच्छे बंदे हैं यार, इतना ज्यादा काम नहीं कराते। इसी तरीके से हम, जाहिर सी बात है, जो होली प्रॉफिट थे, जो उनके कंपेनियंस थे, वो सब इंसान थे, सही है। तो अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने क्या करा, हर रेवल्यूशन का पर्पस था। अगर वो एक साथ कुरान भेज देते तो लोग पढ़ते नहीं, लोग ढूंढने में मुश्किल होती, तो अल्लाह ताला क्या करते थे, जो उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता था उसके हिसाब की रेवलेशन देते थे। जैसे कि एग्जाम्पल सूरह कौसर, जब उनके दो बच्चों का बचपन में इंतकाल हो गया, दो बेटों का, तो लोग इनको कहते थे अबतर। अबतर का मतलब होता है कट ऑफ फ्रॉम द ऑफिस प्लेइंग, के मतलब अब आपकी जात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर रिवील करी और उसके अंदर कहा कि आपकी जात जो है वो तो चलेगी, आपका नाम तो बरकरार रहेगा, बट Those who hate you will be cut off from the future home. जो आपसे जलते हैं वो, उनके जो है वो आगे जो फ्यूचर होगा वो अच्छा नहीं होगा। देन सूरह ज़ुहा वाज़ रिवील्ड कब भी, जब आपके पास गैप इन रेवलेशन आ गया। जब गैप इन रेवलेशन आया तो क्या हो गया, सूरह ज़ुहा क्या की गई, रिवील की गई। देन सूरह लहब कब रिवील हुई, सूरह लहब जब रिवील हुई, जब अबू लहब ने क्या कर दिया, प्रॉफिट जो है वो क्या हो गए थे, सूरह ज़ुहा जब रिवील हुई, जब गैप इन रेवलेशन आए, लोग उनको मॉक करते थे। मॉक क्या करते थे, लोग ये कहते थे कि आपको खुदा ने छोड़ दिया है, अल्लाह ताला आपको छोड़ के आपसे नाराज होता है, तो प्रॉफिट काफी ज्यादा वो हो गए। तो सूरह ज़ुहा वॉज रिवील्ड। सूरह लहाब कब रिवील हुई, जब प्रॉफिट ओपन प्रीचिंग करेंगे, ये सब हम इवेंट्स अभी आगे पढ़ेंगे। जब प्रॉफिट ओपन प्रीचिंग करेंगे ना, तो अबू लहाब आके बोलेंगे हैव यू कॉल्ड अस फॉर दिस, मे यू पेरिश फॉर एवर, तुम बर्बाद हो जाओ, जो कि इनके चाचा थे। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, सूरह लहाब रिवील करी, उसके अंदर बताया कि आपके जो है आप पेरिश नहीं होंगे, बल्कि जिस हाथों से अबू लहाब ने आपको लानत दी है वो हैंड्स क्या होंगे, पेरिश होंगे। तो इस तरीके से वर्स आई। सूरह इखलास कब कब आई, जब बार बार लोग उनसे पूछते थे कि अल्लाह ताला से, होली प्रॉफिट से, कि अल्लाह ताला कैसे हैं, अल्लाह ताला कैसे हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि गैप इन रेवलेशन जो है वो आपके पास क्या हुई, सूरह इखलास क्या हुई, रिवील हुई, कि अल्लाह ताला का बता दिया गया कि कह दो से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। देन सूर्य नास कब रिवील हुई, जब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। ब्लैक मैजिक हुआ तो कौन सी सूर्य नास रिवील हो गई। तो ये आपके पास क्या है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन, सूर्य कौसर, सूर्य जुहा, सूर्य लहा, सूर्य इखलास एंड सूर्य नास। तो ये आपके आंसर की क्या होंगी, पैराग्राफिंग होगी, सही है। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है, समझ आ गई तो वाई लिख कर भेजें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हैंड रेस करें, आप लोगों को म्यूट कर दिया जाएगा, अनम्यूट कर दिया जाएगा, तो आप लोग कुछ भी पढ़ सकते। सही। अच्छा अब सर इसका हमें आंसर कहाँ मिलेगा, तो बेटा इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, आजकल जो है वो ये चल रहा है कि हल सिर्फ जमाते इस्लामी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस्लामिया देन पाकिस्तान स्टडीज के लिए हल सिर्फ मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इसके सॉल्व आंसर्स मिल जाएंगे। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच प्रॉफिट रिसीव रेवलेशन, सही है। सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना कि 23 ईयर्स के अंदर रिवील हुआ और ये सारी चीज। देन आपने क्या बताया, सारे वेज बताए, सारे वेज बता दिए। वेज बताने के बाद आपने नेचर ऑफ रेवलेशन बताई, नेचर क्या थी। देन आपने क्या बता दिया, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन। फिर सवाल किस तरीके से आएगा, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज दैट प्रॉफिट रिसीव रेवलेशन, सेम आंसर। राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच रेवलेशन केम टू द प्रॉफिट, इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन योर आंसर। तो सारी एग्जाम्पल्स हमने इंक्लूड की भी ऑलरेडी, सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। द एंजल जिब्राइल ब्रॉट द रेवलेशन ऑफ द कुरान टू द प्रॉफिट मोहम्मद एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, गिव एग्जाम्पल टू शो हाउ दिस टुक प्लेस। अब बच्चे इसमें ये बोलते हैं सर इसमें तो सिर्फ एंजल जिब्राइल लिखा हुआ है, तो हम दूसरे मेथड्स क्यों लिखे, हमें सब लिखना है, सही है। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर वन, इसके आप अगर मार्किंग स्कीम खोल लीजिएगा तो आपको सब मिल जाएगा। जून 2015। राइट अबाउट द प्रॉफिट्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ रेवलेशन आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन, तो ये
उसके बाद है राइट एन अकाउंट ऑफ द वेज इन विच कुरान वॉज रिवील टू प्रॉफिट बिटवीन द ईयर 610 टू 632 AD। तो ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास 10 मार्क्स का।